तो दोस्तों बिग बॉस में एमसी स्टैन और शालिन के बीच में जो लेटेस्ट फाइट हुई थी उस फाइट में हमें काफी कुछ देखने को और सुनने को मिला। अगर आपको याद होगा तो एमसी स्टैन ने कहा था कि बाहर आने दो घर से उठवाता हूँ, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने इशारों इशारों में किसी का नाम लेना चाह रहे थे और शालिन वह बात समझ जाते हैं उसी टाइम, जिसके बाद फाइट ओवर होने के बाद शालिन विकास से कुछ बातें कर रहे होते हैं और विकास को बोलते हैं कि मुझे पता चल गया है कि किसका नाम लेना चाह रहा था अंदर। हालांकि विकास को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया था, वहाँ पे कैमरे के होते हुए शालिन विकास को उनका नाम नहीं बताते क्योंकि वह कहते हैं कि मैं टेलीविजन स्क्रीन पे उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता तो वह नाम है हिंदुस्तानी भाव। तो आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तानी भाव और एमसी स्टैन कितने अच्छे दोस्त हैं और हिंदुस्तानी भाव एमसी स्टैन को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। दूसरा रीजन आपको पता है कि एमसी स्टैन की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, इस कारण शालिन को वहाँ पे रुकना पड़ा। और आज रात 10 बजे वाले शो में शालिन के पापा सबके लिए नोट भेजते हैं कि कोई भी टेलीविजन स्क्रीन पे ऐसे वर्ड ना बोले कि घर से उठवा दूंगा या ये कर दूंगा, तो इससे हमारी बाहर की जनता पे भी गलत असर पड़ सकता है। और आगे उन्होंने लेटर में ये भी लिखा था कि अपने अंदर की फाइट आप अंदर तक रखिए, बाकी घर के बाहर मत लेके आइए। तो ये थी कुछ बातें जो एमसी स्टैन और शालिन की लेटेस्ट फाइट से जुड़ी थी। तो खैर उनके पापा ने बिल्कुल सही बात कही क्योंकि बिग बॉस के अंदर फाइट तो होती ही रहती है। आप लोग बताइए कि आप उनकी बात से सहमत है या नहीं, और अपने टॉप 3 कंटेस्टेंट के नाम भी हमें कमेंट करके बताइए कि कौन होने वाले टॉप 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।